हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप भी बहुत खुश हो, बढ़िया हो। ए वेंसडे मॉर्निंग 6:30 AM का मैं आपके साथ थोड़ा सा ग्लिम्प्स शेयर कर रही हूँ तुलसी मैया का दर्शन। मैं सुबह दरवाज़ा खोलते ही फर्स्ट मैं क्या करूँगी, तुलसी माता का दर्शन करूँगी। ये है स्टिकर रंगोली, मैंने आपको यस्टरडे भी कहा था स्टिकर रंगोली मैं लाई हूँ। ये चिपका देती हूँ तो बस हो गया, झाड़ू पोछा सभी कुछ हम कर सकते हैं। वो थोड़े दिन बाद वो निकल गया तो फिर से मैं नया लाकर चिपका दूँगी। ये कोकोनट ट्री, सुबह सुबह मॉर्निंग तुलसी मैया और कोकोनट ट्री का दर्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। और केले का ट्री जो रहता है ना, बनाना ट्री, उसका दर्शन सुबह सुबह भी करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ केले का ट्री भी है, वो भी दर्शन हो जाता है। और सुंदर सा ये क्लाउड नज़ारा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज सूरज भगवान हमको नहीं दिख रहे हैं, चुप गए हैं बादलों में। ये देखिए कैसे बादल क्लाउड हो गए हैं, बारिश का जैसे मौसम अभी नज़र आ रहा है। सुबह तो बारिश नहीं हुआ, लेकिन शाम को 9:30 थोड़ा ड्रिजलिंग हो गया, कोई कोई जगह में ही बेंगलोर में ड्रिजलिंग हुआ। ये मैं यहाँ दरवाज़ा खोल के ओपन करके बाहर आती हूँ तो सूरज जी का सुंदर एक कितना ऑरेंज कलर, वो जब सनराइज़ होता है ना, वो मुझे बहुत सुंदर दिखता है। मैं वही देखते वहीं पर ही खड़ी रहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये दोनों कोकोनट ट्री मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और घर का भी मैं सुबह का व्यू थोड़ा शेयर करूंगी आपके साथ। हाय हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वेंसडे है और टाइम है 5:15, 5:15 हुआ है। अभी जस्ट घर आई हूँ, फ्रेश हो गई। फिश का पंप क्लीन करना था, वो भी पंप, वाटर पंप मैंने क्लीन कर दिया, फ्रेश हुई हूँ। अभी किचन में यहाँ खड़ी हूँ कि रात के खाना क्या बनाना है वही सोच रही हूँ। आज लंच बॉक्स में नहीं लेकर गई थी तो मुझे कुछ थाली पीट या कुछ रोटी, ज्वार और राइस आटा मिलाकर या दो ही देखूंगी। चपाती का आटा होगा शायद फ्रिज में, तो चपाती का आटा हो तो चपाती बनाऊंगी। अदरवाइज मैं कुछ थाली पीट जैसा आटा, सारे आटे, दो आटे मिलाकर लाइट वेट मतलब हेल्दी फूड कुछ बनाऊंगी, उतना ही। अभी बहुत सारा काम बाकी है, मैं भी टायर्ड हो गई हूँ। टायर्ड तो नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी काम करना है ना मुझे, झाड़ू करना है। और मैं वॉश करके रखी थी सभी वेजल्स, जो भी रात को वॉश करके यहाँ रख कर मैं सुबह उठ के जाती हूँ। तो अभी सभी कुछ वो जगह जगह पर उसको लगाना है, इस रैक में सभी कुछ लगाना है। कपड़े सूखने के लिए बाहर डाली थी तो वो कपड़ों को भी निकाल कर अलमारी में रखना है। और उसके बाद आंगन में थोड़ा पोछा करना है, थोड़ा रंगोली हल्दी कुमकुम लगाना है। उसके बाद मुझे फ्रेश होकर रात के खाने के लिए, और भी मेरे अलमारी में कपड़े बहुत सारे रखने बाकी है तो उसी को भी ऑर्गेनाइज करना है। ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 10% ही कपड़े बचे हैं बाहर रूम में फैला कर, वहाँ ही है तो उसको भी ऑर्गेनाइज करके रखना है, वो भी एक काम है। और उसके साथ थोड़ा छोटे छोटे बॉक्सेस है जो मैंने मसाला ये वो सभी कुछ छोटे छोटे रखते हैं ना, ऐसे ऐसे बॉक्सेस वहाँ पर एक मैं राउंड टब में रख चुकी हूँ। जैसे छोटे छोटे डिब्बे हो मसाले का, इलायची का, लौंग का, हो गस सभी कुछ रहता है ना, थोड़ा बचा हुआ सेमिया सेवैया, वो सभी कुछ मैंने ये बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स में डालकर एक टब में मैंने रखा है। वो बॉक्सेस कहाँ रखना है वो भी ऑर्गेनाइज अभी मुझे 10% करना बाकी है। जब जब मुझे थोड़ा मतलब घर आने के बाद बिजी ही रहती हूँ, घर का काम ही देखती रहती हूँ और कुछ नहीं। और उसके साथ अपना हेल्थ का भी मुझे ख्याल रखना है, मतलब हेल्थ मेरा परफेक्ट फिट है, कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन
अभी थर्ड फ्लोर है, मेरा ऑफिस भी थर्ड फ्लोर है, मेरा घर भी थर्ड फ्लोर है, और मुझे मैं लेजी नहीं होना चाहती कि वॉक करने के लिए मैं मुझे नीचे उतर कर नहीं जाना है, ऐसा मैं कैसे जाऊंगी, ये लेजी नहीं दिखाना है मुझे। 5:30 में मेरी आंख खुल जाती है, विदाउट अलार्म मेरी आंख 5:30 खुल जाती है, तो उसके बाद मुझे कभी वॉक जाना पड़ सकता है, वॉकिंग वॉकिंग जाने के लिए, मतलब जॉगिंग जाने के लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। जितना कल, मतलब कल ही गई तो भी गई, कि जितना जल्दी हो सके हम जाए ना, तो ही बेहतर रहेगा, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। और स्विमिंग अभी जाने के लिए जाना नहीं, जाना तो चाहती हूँ, वेदर ठीक नहीं है, कोल्ड वेदर है, उसके साथ कोल्ड भी मुझे हो सकता है। आफ्टर ऑफिस आवर्स में शाम को घर आऊँगी और स्विमिंग चली जाऊँगी, 1.5 आवर मुझे वहाँ पर ही होगा। अब घर आकर सभी कुछ फिर से मुझे बात करना है, मतलब नहाना है, वो सभी कुछ करते करते भी देर हो सकता है, उसके साथ कोल्ड जुकाम भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी कुछ मैंने सोच के मैंने थोड़ा ये डिसाइड किया है, मैं वॉक के लिए ही जाऊंगी। मतलब वेट गेन नहीं होना है मेरे हाइट के, मतलब BMI जो हम कहते हैं, बॉडी बॉडी माइंड सम, तो BMI होता है ना वो, तो मेरे हाइट के हिसाब से जितना मेरा वेट होना चाहिए उतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा होने लगा है तो उसके लिए बहुत ही मतलब अलर्ट रहना भी चाहिए, कि ग्रीन जोन रेड जोन जो रहता है, तो ज़्यादा अगर वेट गेन हो गए तो उसके बाद हमका वेट कम करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वैसे भी मैं उतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाती, मेरा काम यही के सिस्टम के सामने बैठी रहती हूँ। अभी यहाँ भी थर्ड फ्लोर, ऑफिस का भी थर्ड फ्लोर ये हो गया है, अभी फटाफट मुझे झाड़ू बनाना है, अपना ड्रेस भी चेंज करना है, तो मैं बातें करते करते टाइम ही हो जाएगा मुझे। मायके तो मैं नहीं जा रही हूँ कोई भी फंक्शन के लिए, अभी मैं मायके नहीं जाना चाहती, कुछ दिनों के लिए या कुछ साल के लिए भी हो सकता है, मैं मायके जाना नहीं चाहती। मैं कोई भी कहीं भी गांव के लिए जाना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती अपने मायके के लिए, क्योंकि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, और मुझे वहाँ आने जाने के लिए ही ऑलमोस्ट 1200, 1200 उसके साथ ऑलमोस्ट मुझे 3000 ट्रैवल एक्सपेंस ही हो जाएगा। तो यही सब मैं सोचते हुए मैंने सभी कुछ ड्रॉप किया है। उनके लिए जो भी गिफ्ट लेना है या कुछ भी उनको गिफ्ट देना रहता है घर में लेकर रखूंगी, जब जब कभी भी इनकेस जाना पड़े तो, या वो आएंगे तो तभी मैं मतलब वो दे सकती हूँ। या अभी तो एक्सपेंस मेरा भी ज़्यादा है, मेरा EMI भी रहता है, मंथली EMI जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होता है, तो इसके लिए मुझे अभी गांव में नहीं जाना चाहती, मायके भी नहीं जाना चाहती, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मेरा मेरे घर में ही मैं रहना पसंद करूंगी। अभी 2 साल तक तो मैं कहीं भी नहीं जाना चाहूंगी, यही मैंने सोचा है। आराम से घर में रहूंगी, घर की जिम्मेदारियां संभालूंगी, मैं अपना हेल्थ और अपना जो भी मेरा फिजिकल और मेंटली जो भी हेल्थ रहता है उसको, मतलब योगा हो, मेडिटेशन हो या कुछ जॉगिंग हो, ये सभी कुछ भी करना जरूरी रहता है एक लेडी के लिए, एक सिंगल मदर के लिए, सिंगल मदर जो होते हैं तो उसके लिए, क्योंकि उन पर प्रेशर भी ज़्यादा रहता है तो अकेली रहती है इसके लिए। तो फटाफट में अभी मैं घर क्लीन करूंगी, बहुत सारा काम है, बाद में मिलूंगी। मैं खाना डिनर अगर शेयर करना चाहूंगी, शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, मैं रेसिपी अगर शेयर करना हो तो शेयर करूंगी, या तो खाना खाने की थाली जो रहता है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बाद में मिलूंगी, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, सी यू सून। और यहाँ देखिए मार्बल का मैं आपके साथ ये फ्लोर जो भी है मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने झाड़ू पोछा फिनाइल डाल के पोछा भी कर दिया है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है फ्लोर मिरर की तरह। क्लीन रखना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो मैं संडे और फ्राइडे को पोछा करती हूँ, तो उसके बाद मतलब मॉपिंग करती हूँ, अगर आज वेंसडे था ना थोड़ा मैंने सोचा आज भी कर दूँगी। और ये है डिनर का टाइम, अभी 7:30 हुआ है, बीटरूट की सब्जी बनाऊंगी, कोकोनट ऑनियन गार्लिक और ये बीटरूट मैंने कद्दूकस किया है, ये
ये टमाटर और ग्रीन चिली। यहाँ पर मैंने राइस रखने के लिए चावल धोकर मैंने एक वेजल में रखा है। और यहाँ पर हॉर्स ग्राम और तूर दाल दोनों को मैंने बॉईल करके रखा है। कुछ भी नहीं मैंने टमाटर ऑनियन कुछ नहीं डाला, सिर्फ हॉर्स ग्राम और तुअर दाल। मैं देखिए आपके साथ तो हॉर्स ग्राम जो है वो स्प्राउट आया था और तुअर दाल जो है वो भी मैंने मिक्स किया कि सांभर थोड़ा टेस्टी बनेगा और स्प्राउट रहता है स्वीटिश रहता है तो स्वाद सांभर जो भी हम कोकोनट पेस्ट करके डालेंगे ना बहुत यम्मी टेस्ट वाला स्वादिष्ट हेल्दी सांभर ये रहेगा। चपाती पूरी राइस डोसा के साथ आप इसको खा सकते हो टेस्ट कर सकते हो। हॉर्स ग्राम हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने बीटरूट बनाने के लिए सब्जी रखी हूँ, ये है मैं ग्राइंड करूँगी अभी। थोड़ा कोकोनट जो ड्राई हो चुका है धूप में रखी थी मैंने कोकोनट को तो ड्राई हुआ है। थोड़ा धनिया हरा धनिया और गार्लिक जिंजर भी आप डाल सकते हो, आप चाहे तो सिनेमन और दालचीनी और लौंग भी थोड़ा सा डाल सकते हो, इससे सांभर का टेस्ट दुगना हो जाएगा। और उसके साथ घर में बनाया हुआ सांभर पाउडर या तो MTR GRB एवरेस्ट सांभर पाउडर आप कोई भी डाल सकते हो। मैंने घर में बनाई हुई सांभर पाउडर को ही मैं यूज़ करती हूँ। कभी अगर सांभर पाउडर बनाऊँगी तो आपके साथ वो भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। 2 चम्मच मैंने डाला है बस, काफ़ी है मेरे अकेले के लिए। ये टमाटर भी मैं उसी में ही डालूँगी, मैंने टैमरिंड नहीं डाला सांभर में क्योंकि अभी ये हॉर्स ग्राम है ना उसको ज़्यादा टैंगी नहीं चाहिए। टमाटर टैंगी वाला टमाटर डालेंगे तो वही स्वाद सही रहेगा, इसके लिए ज़्यादा टैंगी नहीं बनाना है। यहाँ तड़का दे रही हूँ सांभर के लिए, जीरा मस्टर्ड गार्लिक और हींग। उसके बाद यहाँ पर सांभर मतलब जो मैंने पेस्ट करके रखी थी, यहाँ पर एक मैंने पैन रखा है बीटरूट सब्जी बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद राई मस्टर्ड गार्लिक हींग, यहाँ मैंने जो पेस्ट किया था वो डाल चुकी हूँ सांभर के लिए। और ये हॉर्स ग्राम है उसमें मिलाना है, स्वादानुसार नमक डालना है, चाहे तो ऊपर से आप हरा धनिया कट करके डाल सकते हो। 2 उबाल आने के बाद आप उसे ऑफ कर दीजिए। ये बीटरूट की सब्जी बनाई मैंने, यहाँ सांभर बॉयल हो रहा है और यहाँ मैं कुकर रख रही हूँ चावल के लिए। इसमें 1 चम्मच आप घी भी डाल सकते हो सांभर में, उससे और भी टेस्ट दुगना एनहांस हो जाएगा। ये सांभर और राइस का भाप है और यहाँ मेरा थाली रेडी हो गया है, पेड़ा है और यहाँ पर सांभर बीटरूट की सब्जी चपाती, 1 चपाती मैं ली हूँ, थोड़ा सा राइस खाना है मुझे सांभर के साथ। मैंने सोचा था राइस नहीं बनाऊँगी सिर्फ चपाती खाऊँगी, बाद में मैंने सोचा सांभर बहुत ही बढ़िया बनेगा आज तो राइस तो होना ही चाहिए। वो नंदिनी पेड़ा मैं लाई थी तो उसी को एक बचा था तो मैं वही टेस्ट करूँगी खाने के साथ। कभी कभी स्वीट खाती हूँ घर में रहता है तो, या मैसूर पाक या नंदिनी पेड़ा, तो वैसा। बीटरूट भी अच्छे से पक गया है, बॉयल हुआ है, रोस्ट भी हुआ है। हाय हेलो व्यूअर्स, अभी मैं टाइम हुआ है 9 एग्जैक्टली हुआ है तो 9 बज गया है, अभी मेरा खाने का टाइम भी हो गया पूरा। मैं आज 1 मिनट भी खाली नहीं थी, मतलब रेस्ट नहीं था, कंटिन्यूसली मैं ऑफिस से आते ही काम करते रही कि जल्दी काम भी ख़त्म हो जाए और मेरा डिनर का टाइम भी जो मैं रोज़ खाना खाती हूँ उसी टाइम को हो जाए। झाड़ू पोछा करना, क्लीनिंग मॉपिंग करना और जो भी थोड़े से सामान थे शिफ्टिंग का मैंने ये किया था ना वो भी क्लीन करना, उसके बाद पूजा करना, नहाना, वॉशिंग मशीन ऑन करना, किचन क्लीन करना, बर्तन को जगह पर रखना, उसके बाद चपाती आटा फ्रिज में था, बीटरूट की सब्जी बनाई और सांभर भी बनाई। ये दरवाज़ा मैं नहीं ओपन करती, मैंने बोला ना छिपकलियाँ बहुत आते हैं, अगर ये भी आ गया तो मुझे बहुत सारा काम भी हो जाएगा। ये बीटरूट की सब्जी और चपाती मैं खा रही हूँ।
बहुत ही मस्त है। और ये नंदिनी दूध पेड़ा है, दूध पेड़ा मैंने लाई थी तो एक बचा था, मैंने सोचा खा लूँगी, वेस्ट नहीं करना है। एक चपाती, ज़्यादा सब्जी, सांभर, हॉर्स ग्राम और तूर दाल, हॉर्स ग्राम जो रहता है और तूर दाल जो रहता है उसका मैंने सांभर बनाई हूँ, बहुत ही टेस्ट है, बहुत मसाला, सांभर पाउडर, आप तो MTR भी यूज़ कर सकते हो, GRB सांभर पाउडर भी आता है, घर का बनाया हुआ सांभर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो, घर का मैं एक बार आपको उसका मतलब रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर क्या क्या चाहिए। ये राइस मैंने ठंडा करने के, बहुत गर्म है राइस, ठंडा करने के लिए रखा है, मुझे ज़्यादा गर्म गर्म नहीं खाती, गर्म खाना खाती हूँ लेकिन थोड़ा वार्म रहना चाहिए, बस उतना ही। तो खाना खाने के बाद मुझे ब्लॉग एडिटिंग भी करना है, वॉइस ओवरिंग भी देना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को वॉच कीजिए। जिन्होंने भी मेरे अभी जो मैंने रिसेंटली लास्ट मैंने जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था, अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोग लाइक भी किए हैं, तो लेडीज़ ही लेडीज़ को सपोर्ट करना भी बनता है। तो मेरा भी ये भी जॉब है, ऑफिस का भी जॉब है, घर का भी, हर किसी का, लेडीज़ का रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना कमेंट भी पॉजिटिव, लाइक और अच्छा वाला कमेंट पोस्ट कीजिए कि मुझे भी और भी खुशी हो जाए। आपके लिए मैं भी प्रे करूँ कि आपने इतना मतलब दूसरों के लिए भी अच्छे सोचती हो, आपके लिए भी मैं भी प्रे करूँगी सच में। एक खाना फिनिश करने के बाद, डिनर फिनिश करने के बाद मुझे सभी एडिटिंग सभी कुछ भी करना है, थोड़ा वॉक करना है बाहर, चिपकले हो तो मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगा रखता है गिर जाएगा। चिपकले हो तो मैं वॉक नहीं करूँगी बाहर, अगर नहीं है तो थोड़ा हवा में वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये थोड़ा पोर्टिको में ही मैं वॉक करूँगी, उसके बाद मैं जाकर सो जाऊँगी। हो जाएगा 11 PM हो जाएगा, 11 बजे हो जाएगा सोते सोने के लिए। मुझे थर्सडे है, सुबह उठना है, ऑफिस के लिए भागना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल भी रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी पोस्ट कीजिए। एंड थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।